प्रदेश में महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठाएगी। ये शब्द मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नियम 130 के तहत मुकेश अग्निहोत्री द्वारा लाए गए प्रस्ताव के उत्तर में कहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सच है कि पिछले कुछ वर्षों में महिला उत्पीड़न के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। प्रदेश में महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठाएगी। ये शब्द मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नियम 130 के तहत मुकेश अग्निहोत्री द्वारा लाए गए प्रस्ताव के उत्तर में कहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सच है कि पिछले कुछ वर्षों में महिला उत्पीड़न के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। इस मामले में ये कहना किसकी सरकार में कितने मामले बढ़े तर्कसंगत नहीं है, अपितु ये समाज की समस्या है और इसे दूर करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि में इस तरह की घटनाओं से उन्हें भी हिमाचली की तरह दुख होता है। देवभूमि में महिलाओं के साथ घटने वाले अपराध चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि जो काम नहीं होने चाहिए वो नहीं होने चाहिए और इसमें सरकार किसी की भी हो ये मायने नहीं रखता। गुड़िया मामले पर उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में होने के कारण वे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन सरकार गुड़िया को न्याय दिलाने में हर संभव काम कर रही है। कि ये घटनाएं पूरी दुनिया में, पूरे देश में, सभी प्रदेशों में पिछले कुछ अच्छे से जो आंकड़े बता रहे हैं और इस दृष्टि से इस बात से हम सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन फिर भी हमको इस बात को लेकर के संतोष है कि बाकी प्रदेशों की तुलना में फिर भी हिमाचल अभी जहाँ तक इस सारे मामले को लेकर के जो विपक्ष के नेता जी ने हाउस में उठाया, उनके माननीय सदस्यों ने बहुत सारे विचार रखे, उन्हें से मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारी सरकार की ओर से प्रयत्न हुए हैं, कोशिशें हुई, जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना की है उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अधिकांश लोग जेल इस्लामी के पीछे, किसी को छोड़ा नहीं गया है, किसी को बख्शा नहीं गया। विशेष तौर से सरकार घाट की जो घटना जिसने हमको बहुत शर्मिंदा किया, उसमें भी हमने सख्त आदेश दिया और आदेश देने के बाद कार्रवाई की। अभी भी 14 लोग उसमें जो है जेल में, उनकी जमानत नहीं। ऐसी परिस्थिति में और जगह जो घटना घटित नहीं है उनमें भी कार्रवाई हम कर रहे हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि हम इस बात को लेकर के संतोष करें कि घटनाएं घटित हो रही हैं, हिमाचल फिर भी बेहतर है, उसमें संतोष करने की आवश्यकता नहीं। हमको और ज़्यादा सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। हमने कहा कि पुलिस विभाग हमारा और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस जो है महिलाओं के उत्पीड़न की दृष्टि से रखती है। निश्चित रूप से जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, राहुल गांधी का एक बयान आया है कि वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी किया था या उन्होंने एक मिशन बनाया था कि मेक इन इंडिया, लेकिन आज की डेट में मेक इन इंडिया नहीं बल्कि रिपेयर इंडिया हो गया है। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, शब्दों का चयन हमेशा सावधानी से करना चाहिए इतने बड़े नेताओं, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोकसभा के चुनाव के दिनों में जब प्रचार का दौर था उस वक्त भी उन्होंने शब्दों के चयन में कोताही की, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे और उसके कारण कांग्रेस भारत से जो है वो गुम हो गई। यानी कि भारत जो है इन सारी चीज़ों के लिए, भारत की जनता जो है वो बहुत संवेदनशील है, वो समझती है, तो इसलिए ऐसे शब्दों के चयन पर उनको सदन के अंदर कहा है कि चर्चा हो रही है कि मोबाइलों को लेकर भी प्रतिबंध की बात कही है। एक कदम उस दिशा में बताया हूँ, ये भी एक कदम सोचना है कि क्योंकि बहुत सारे बहुत एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल जो है क्लासरूम में और कैंपसिस में करने की जो बातें ध्यान में आई है कि नोटिस है ये बातें, और जिसके कारण जो है वो पढ़ाई भी बाधित होती है, ऐसा उनका कहना था मुझे लगता है। तो उस दृष्टि से उन्हें जो बात कही है वो बात विचार करने की। सर, गुड़िया हेल्पलाइन नंबर बनाया गया और इसने जो सारी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में आ रही है, तो कितना सकारात्मक रिपोर्ट है? सरकार मेरे आंकड़े अंदर दिए हैं, इसे अभी जुबानी याद नहीं है, लेकिन उसमें कामयाबी हुई है, काफ़ी हद तक जो है मामले उसमें आए हैं, मामले में FIR दर्ज हुई है, कार्रवाई हुई है, कलंदर दर्ज हुए हैं, तो लेकिन उसके बावजूद भी उसका लाभ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।